start chapter number 4, my district. My district yani mera jila. You may usually go on tour. Aap tour pe jaate rehte ho. You must be visiting sightseeing places, famous pilgrimage places and historical monuments. आपने ऐसे कितने ऐसे अच्छे साइट को फिर तीर्थ यात्रा के आपने होंगे, फिर ऐतिहासिक historical monuments से ऐतिहासिक स्थल स्मारक. You may also be visiting such places in your district. आपने ऐसे आपके district ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होंगे कि आपने ऐसे देखे होंगे. Where in your district are such places located? आपके यहाँ पे ऐसे है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्लेसेस है तो find the book named our district, find the following information from it. Our district हमारे जो किताबें थी हमारे जिले की उसमें लिखा हुआ रहता है कि कहाँ पे कौन सा स्थल है. तो इस तरह से देखो यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है. राइट अबाउट third.
इस तरह से हम लिख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में भी। ये तो मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट का लिखा, लेकिन आप आपके डिस्ट्रिक्ट का लिख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कौन से प्री हिस्टोरिक टेम्पल है। अभी पेज नंबर 30 टर्न योर पेज। अभी यहाँ पे लिखना है राजे
की वर्ड्स, यानी इसको हमारा भी सब क्लासिफिकेशन करना है इन सब का। तो डेट वाइज कौन सा आता है, डेट के हिसाब से जो त्योहार आते हैं, जो फेस्टिवल आते हैं, तो वो कौन सा है, उत्तरायण। ये डेट वाइज 14 जनवरी को हम मनाते हैं, बराबर। तो ये डेट वाइज ही आता है उत्तरायण। फिर रिपब्लिक डे, ये भी डेट वाइज ही आता है, तो 26 जनवरी। फिर शहीद दिवस, वो भी डेट वाइज ही आता है। इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, क्रिसमस, 25 डिसंबर को हम मनाते हैं। तो ये सब जो फेस्टिवल है ये डेट वाइज है। फिर तिथि वाइज जो न्यू ईयर जो हमारे जो हम कार्तिक महीने से जो चालू करते हैं, तो वहाँ से न्यू ईयर के भाई बहन ये कैसे है, ये ऐसे यानी तिथि वाइज जब उसकी तिथि होती है तो उसकी डेट बदलती रहती है। देव दिवाली है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दिवाली है। दिवाली अभी इस साल अक्टूबर में आई, तो अगले साल नवंबर में भी हो सकती है, पहले भी आ सकती है, या थोड़ा डिफरेंस अक्टूबर में होगी, थोड़ा डिफरेंस रहता है। फिर डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज, तो ईद मिला है ना, तो चांद देख के उठते तरक्की करते हैं, तो मुहर्रम, फिर ईद उल जुहा, फिर पते की, गुड फ्राइडे, चेटी चैंड, वो इस तरह से यानी डे वाइज भी, ईयर वाइज और अदरवाइज इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करना है विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द नेशनल फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल्स में हम कौन से नेशनल फेस्टिवल हमारा, तो 15 अगस्त, फिर इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ये क्या है, हमारे नेशनल फेस्टिवल है। वाई के हिसाब से कौन से, तो देखो यहाँ पे पाला, तो लास्ट
लास्ट मंडे ऑफ श्रावण मंथ, श्रावण महीने के लास्ट मंडे को, यानी जो जो हमारा जैसे जो अभी श्रावण महीना ही चल रहा है, लास्ट संडे हमारा कल था, तो श्रावण के लास्ट मंडे को वहां पे मेला भरता है। तो वेदर द फेयर इज हेल्ड एट एनी प्लेस, यस और नो? यस। फिर इन द इंग्लिश वन इन द फेयर ऑर्गेनाइज, देखो अभी हमारा ऑगस्ट चल रहा है ना, तो यहाँ पे ऑगस्ट लिखा हुआ है। फिर रूपल, तो सप्तमी को करता है, और अगस्त शीतला सातम, तो शीतला सप्तमी बोलते हैं ना, शीतला सप्तमी के टाइम वहां पे मेला भरता है, तो अगस्त में। फिर परपाड़ा, तो शीतला सप्तमी के लिए ये भरता है अगस्त महीने में। फिर डिस्कवरी टाइम ऑफ डायवर्सिटी What kind of means of entertainment are found in the fair? आपने क्या entertainment करा वहाँ पे, क्या मनोरंजन कैसे आपने वहाँ पे देखा? Pick mark the appropriate occasion according to the list again. तो ये fair है या wedding ceremony? देखो wedding card में क्या wedding ceremony? Fair में petal ride, तो ये fair में flower Thank you.